हाँ जी मेरे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि नवंबर से पढ़ के किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग होंगे, कुछ बच्चों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी, कुछ लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं करी होगी। प्लान किया होगा कि अक्टूबर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, नहीं कर पाए। अगस्त से स्टार्ट करेंगे, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आपके पास ऑप्शन है, अभी भी आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ तो ये है, ध्यान से देखना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें स्ट्रेटजी नहीं पता कैसे पढ़ना है, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है। भैया मैं बोलूँ, जिसका पढ़ाई में मन लगता है, स्ट्रेटजीज अपने आप बनती चली जाती हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप होता चला जाता है। और जो पढ़ाई नहीं करता है वो बस स्ट्रेटजी ढूंढता रहता है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा, उसके बाद बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी के ऊपर कि किन स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है अगर नवंबर से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो या फिर पहले से थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब मार दो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार एक चीज़ बताना, अपने एक्सपीरियंस से आप सबको पता है, जब स्टार्टिंग में हम होते हैं किसी भी क्लास की स्टार्टिंग में, जैसे 9th से 10th में आए, 10th से 11th में गए, 11th से 12th में गए, जब भी कोई नई क्लास में हम एंटर करते हैं तो स्टार्टिंग में भैया एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है कि नहीं? स्टार्टिंग में बोलते हैं हम फाड़ के रख देंगे, इस बार तो हम टॉपर बनना है, इस बार तो हम बहुत जल्दी सिलेबस पूरा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, ऐसा आपके साथ होता कि नहीं? जैसे जैसे टाइम हमारा स्पेंड होता जाता है, हम चीज़ों को पोस्टपोन करते जाते हैं धीरे धीरे। चलो कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, नर्सों से पढ़ेंगे, अभी इस बात की टेंशन है ना, आप सर्दियों में पढ़ेंगे फिर गर्मियों में पढ़ेंगे, उस चक्कर में पोस्टपोन करते रहते हैं। और वो हमारी बन जाती क्या हैबिट, आदत बन गई भैया अब तो पोस्टपोन करने की, ठीक है। और एनर्जी डाउन हो जाती है, स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत आई होती है कि भैया इस बार तो हम इस क्लास में फोड़ देंगे, लेकिन धीरे 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 ना तुम्हारी होता क्या है, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम पढ़ाई नहीं करते, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, फिर क्या होता है, तुम्हारी आदत बन जाती है ना पढ़ने की, एक आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं बोलता तो हूँ लेकिन मैं करता कुछ नहीं हूँ, मैं प्लानिंग तो करता हूँ मैं पढ़ूंगा लेकिन नहीं पढ़ पाता हूँ, तो वो तुम्हारी आदत बन जाती है। एक बार आदत बन जाती है तो वो चीज़ रिपीट होती चली जाती है, राइट। तो सबसे पहले तो ये जो तुम आदत तुमने बना रखी है ना पढ़ने की, अक्टूबर से पढ़ने का भी प्लान बनाया था नहीं हो पाया, इसको पहले हटाओ, चेंज करो। सोल्यूशन क्या है इस बात का, सोल्यूशन दे रहा हूँ ध्यान से देखना, सोल्यूशन क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? पहला, इमीडिएट एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, इमीडिएट एक्शन लो, अभी तुरंत एक्शन लो, पढ़ने को बैठ जाओ। एक्शन में डिले करते हैं यार, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, उस चक्कर में पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाती यार, फिर अपना पास्ट देख लगते हैं यार हमने तो भाई पूरी साल बर्बाद कर दी, उस चक्कर में तुम पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाते हो, नेगेटिव थॉट्स लेके आ जाते हो। मैं बोल रहा हूँ सोचना बंद करो, तुरंत पढ़ने को बैठ जाओ, इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन लो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, सेल्फ बिलीव, वेरी इंपॉर्टेंट यार, सेल्फ बिलीव, खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा यार। दुनिया वाले तुमसे कहेंगे कि तुमने पूरी साल नहीं पढ़ी, अब तुम क्या ही उखाड़ लोगे, बहुत सारे यूट्यूबर कहने आ जाएंगे, लेकिन भैया ये सेल्फ बिलीव बहुत बड़ी चीज़ है। ये सामने इंसान बैठा है भाई, मैंने तो 2 से 3 दिन के अंदर क्लास 12th के अंदर पूरा सिलेबस कवर किया था, एक एक सब्जेक्ट का, ठीक है, और अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए थे। तुम्हारे पास तो अभी 2 से 3 महीने हैं, फोड़ के रख दोगे, ठीक है। दुनिया वाले क्या कहते हैं वो छोड़ो, खुद पे विश्वास रखो, ठीक है। कभी मत बोलो मैं ये नहीं कर पाऊंगा या फिर टाइम वेस्ट हो गया, मत कहो ऐसा, यस आई कैन डू दिस, यस तुम कर सकते हो, इस बात का एटीट्यूड रखो, ठीक है, यस मैं कर सकता हूँ। आइडेंटिटी जो तुम्हारी बदल गई कि हाँ मैं अक्टूबर से पढ़ने का भी प्लान किया था लेकिन नहीं पढ़ पाया, मैंने अगस्त से भी पढ़ने का प्लान किया था नहीं कर पाया, है ना, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, मेरी तो आदत बन गई चीज़ों को पोस्टपोन करने की, ये जो तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है माइंड में, सबसे पहले इसको हटाओ, ठीक है। पहले क्या हुआ भूल जाओ, पहले क्या हुआ भूल जाओ, ठीक है, अपना आइडेंटिटी चेंज करो, बोलो कि हाँ मैं पढ़ने वाला इंसान हूँ, मैं फोड़ दूंगा, चेंज योर आइडेंटिटी, और कॉन्फिडेंस तुम्हारा वैसे ही ऊपर जाएगा, कॉन्फिडेंस ऊपर ले जाना है, पढ़ोगे तभी जाएगा, है ना। और एक चीज़ और होती है, पोस्टपोन कर करके हैबिट बन गई, एनर्जी डाउन हो गई, फिर हम गिल्टी फील करने लगते हैं, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया यार, मैं तो ऐसा इंसान हूँ ही नहीं यार कि मैं नहीं पढ़ता, लेकिन हो गया, चेंज करो उस चीज़ को, ठीक है, यस तुम कर सकते हो, खुद पर भरोसा रखो, कुछ नहीं बिगड़ा यार, थोड़ा सा समय बीत गया लेकिन अभी भी तुम्हारे बहुत समय है यार, ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक रिग्रेट वाली, रिग्रेट जानते हो क्या होता है, पछतावा, हिंदी में बोलते हैं इसको पछतावा, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये पछतावा इतनी खतरनाक चीज़ होती है कि आदमी को अंदर से रुला देती है। बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ, स्ट्रेटजी भी है आगे, टेंशन मत लेना, सब कुछ है, ओके, ध्यान से देखना, पछतावा। भैया मैं अपनी स्टोरी बता दूँ, मेरे साथ क्या था, जब मैं क्लास 10th में था ना, तो मेरे को सोशल साइंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, स्पेशली हिस्ट्री बहुत हार्ड लगती थी, ठीक है, इस चक्कर में पूरी साल मैंने पढ़ाई नहीं करी, चलो कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, लास्ट में एग्जाम था सोशल साइंस का, और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, तब भैया मेरे जैसे यूट्यूबर थे नहीं यूट्यूबर, ठीक है, तो डर लग रहा था भाई साहब, सच बता रहा, लास्ट दिन आया
सोशल साइंस का एग्जाम है 2 दिन बाद, और आज मैं पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री, और आज मेरे को हर एक चीज़ समझ में आ रही है हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि अंदर एक डर बैठा था। वो डर क्या था कि भैया अब नहीं पढ़े अगर तो पक्का फेल हो जाएंगे। फिर वही इतना सीरियसली हिस्ट्री को पढ़ा, इतना सीरियसली पढ़ा, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि समझ में ना आए। आनी ही पड़ेगी समझ में, जबरदस्ती कैसे भी करके समझ में तो आनी ही चाहिए, वरना फेल हो जाओगे, परसों पेपर है। और सच बता रहा यार, ऐसा मान के चलो अभी शाम का समय है और कल मेरा सोशल साइंस का पेपर है, अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और भैया इतने अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं, इतने अच्छे से समझ में आ रही हैं, मैं बता नहीं सकता। मम्मी बोली सो जाओ बेटा कल एग्जाम है, मैं कह रहा यार थोड़ा सा और हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। लास्ट समय इतना रिग्रेट था मेरे को सोशल साइंस को लेके, SST को लेके, कि काश मैंने इस तरीके से पहले थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो भैया सोशल साइंस में अच्छे खासे मार्क्स आ जाते। क्या अच्छे खासे मार्क्स आते सोशल साइंस में मेरे? 100 में से 85 से ऊपर ही आए थे मेरे, ठीक है, तब भी कैसे आ गए थे आई डोंट नो। बट पॉइंट क्या है कि रिग्रेट वाली फीलिंग बहुत होती, काश उस समय वो चीज़ कर लिया होता है। भाई कंपार्टमेंट लगी, बहुत सारे बच्चे फेल हुए CBSE में, बड़ा रिग्रेट फील होता है, काश उस समय पढ़ लिया होता। आज तुम मस्ती कर लो, आज तुम पढ़ाई मत करो, आज तुम सब गंदी आदतें फॉलो करो, इन फ्यूचर इतना रिग्रेट होगा, इतना पछतावा होगा ना तुम्हें, जब तुम देखोगे तुम्हारे दोस्त BMW में घूम रहे हैं, तुम साला वहीं गरीबी वालों जिंदगी, क्या बोलते हैं, गरीबी वाली ज़िंदगी जी रहे हो, तो बहुत बुरा लगेगा। काश उस समय मैं पढ़ लेता, काश उस समय मैं मेहनत कर लेता। तो भैया ये फीलिंग ना आए तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। नाउ स्ट्रेटजी बता देता हूँ, पहले उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। स्ट्रेटजी भैया अगेन वही हमेशा मैं बोलता हूँ, वंस और लेक्चर देखना है और साथ में नोट्स बना लेना है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है आपका और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप सबसे पहले भी बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि क्वेश्चन भी करो, मैं बोल रहा हूँ जितना जल्दी हो सके अपनी फुल एनर्जी में आ जाओ, वंस और लेक्चर देख डालो। मैं तो बोल रहा हूँ एक दिन में एक सब्जेक्ट के सारे लेक्चर देख दो वंस और के, और प्लस साथ में नोट्स बना लो। ये चीज़ अगर तुमने कंप्लीट कर ली, मैं बोल रहा हूँ बॉस गारंटीज है, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ऊपर चला जाएगा। जब ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा ऊपर जाएगा ये सब करने से, तुम दूसरे स्टेप पे ऑटोमेटिकली आ जाओगे। तुम्हारा मन करेगा, कहोगे कि मैंने वन शॉट लेक्चर देख लिए हैं, मैंने सिलेबस पूरा कर लिया, अब क्वेश्चन भी करना है। करोगे, जरूर करोगे, आदत बन जाएगी तुम्हारी, जिस तरीके से अभी आदत बन चुकी ना पढ़ने की, ऐसी तुम्हारी पढ़ने की आदत बन जाएगी अगर वन शॉट लेक्चर कंप्लीट कर लिया, नोट्स बना लिए साथ में, ठीक है। ये अपना फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप, जितने भी NCERT के क्वेश्चन हैं वो सारे के सॉल्व करो, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, PYQ करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैंपल पेपर। सैंपल पेपर भैया लेटेस्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुराना सैंपल पेपर इस बार नहीं चलेगा, बिकॉज पैटर्न वगैरह काफ़ी चेंज हुआ है, सो लेटेस्ट सैंपल पेपर आपके पास होना चाहिए। थर्ड स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताना भूली क्या, वो है रिवीजन। रिवीजन इसके बिना कुछ ना होना है, रिवीजन तो हर समय चलेगा तुम्हारा। फर्स्ट स्टेप जब चल रहा होगा तब भी रिवीजन करो, सेकंड स्टेप कर रहे हो तब भी रिवीजन करो। रिवीजन वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चीज़ें याद तो भैया रिवीजन से ही होगी, बाकी चीज़ों को जल्दी कैसे याद कर सकते। मैंने वीडियो बनाई हुई है, हर्षद की पढ़ाई पर जाओ सर्च करो, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो रिवीजन तो साथ में करते ही रहना है, बंसोर लेक्चर देखा, जैसे समय मिला तुरंत रिवीजन कर लो, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, समय मिल रहा जहाँ कहीं भी रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, एक अलग से टाइम निकाल कर रखो। रिवीजन इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस तो हर कोई कवर कर लेता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स तो चीज़ें याद ही नहीं रख पाते हैं। और अगर तुम्हें चीज़ें याद नहीं है जो तुमने पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कोई मतलब नहीं है अपना सिलेबस पूरा किया कि नहीं। और चीज़ें याद कैसे होंगी, रिवीजन करने से। तो रिवीजन इज़ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। भले ही सिलेबस पूरा मत करना, 50% करना, लेकिन अगर रिवीजन कर लोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन तुमने सिलेबस पूरा कर भी लिया लेकिन चीज़ें तुम्हें याद नहीं है, क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया, फेल हो जाओगे बॉस, क्लियर। तो रिवीजन इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट चीज़, एक काम भी जो आपको बताया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इनके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर एवरी स्टेप, लेट से आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, बंस और लेक्चर देख लिए, पूरे नोट्स बना लिए, है ना, फर्स्ट स्टेप आपका डन हो गया, आप क्वेश्चन करने वाले, लेकिन उससे पहले काम जरूर करना फर्स्ट स्टेप के बाद। हालांकि अब पार्टी के लिए पैसे लगेंगे, मैं बोल रहा हूँ पार्टी करो, सेलिब्रेट करो, थोड़े से पैसे लगेंगे। हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो माँ बाप को बोलो कि भाई मम्मी पापा मैं बहुत सीरियसली पढ़ाई करने वाला हूँ और मैंने यही टारगेट लिया है कि मैं इस तारीख तक वंस और लेक्चर देख लूँगा और उसके नोट्स बना लूँगा। अगर मैं ये चीज़ कंप्लीट कर लेता हूँ तो आप मेरे को इतने पैसे दोगे पार्टी करने के लिए, अगर नहीं करता हूँ तो मत दो, क्लियर। सो आपको करना क्या है, आफ्टर एवरी स्टेप एक पार्टी ऑर्गेनाइज करो भाई, पार्टी करो, सेलिब्रेशन करो, डांस करो, खुद को कुछ गिफ्ट दो, खुद को कुछ गिफ्ट दो। कब? जब एक स्टेप आप कंप्लीट करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, तब, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, यही सारी चीज़ हैं जो तुम्हें मोटिवेट करेंगी पढ़ाई करने के लिए। सच बता रहा गाइस, यही चीज़ें होंगी जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करेंगी। भाई मेहनत करना किसी को अच्छा नहीं लगता, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन तब भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि पता है पढ़ाई लिखाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो BMW कार में घूमेंगे,
एंजॉय करना, पार्टी करना, घूमना, ये सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है जो किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन तब भी लोग मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें घूमना है, एंजॉय करना है, BMW में घूमना है, महंगी गाड़ी में घूमना है, राइट। सो करना पड़ता है जो, जैसे ही आप पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करते हो, एक पूरा अपना स्टेप कंप्लीट करते हो, उसके बाद पार्टी जरूर करो मेरे भाई, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है कि ये सब क्या होंगे, आपके सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अब इससे क्या मिलेगा आपको? प्लेजर मिलेगा, पार्टी करेंगे, नाचेंगे, कहेंगे ओ एंजॉय करेंगे, क्या मिलेगा? प्लेजर मिलेगा। दूसरा, इंटरेस्ट आएगा आपको। अभी पार्टी तुम्हें क्यों करने को मिली? पैसे तो माँ बाप भी पैसे नहीं देते ऐसे फालतू खर्च करने के, लेकिन इस बार माँ बाप ने भी पैसे दे दिए। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने की वजह से तुम्हें पार्टी करने को मिला, तुम्हें एक गिफ्ट मिला, प्लेजर मिलेगा, खुशी मिलेगी, हाँ खुशी तो मिलेगी, दूसरा इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ाई में। यस यार, पढ़ाई करने से ये सब मिला है, मैं सच बता रहा भाई। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर तुम 10 घंटे डेली पढ़ाई करते हो 4 दिन तक, मैं तुम्हें BMW कार दूंगा, पढ़ोगे कि नहीं? अरे बिल्कुल पढ़ेंगे, मज़ा भी आएगा, क्योंकि पता है पढ़ाई की वजह से ही वो चीज़ मिल रही है। लेकिन होता क्या है, इन रियल लाइफ हम वो पढ़ाई करते हैं ना, हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, 12-15 साल बाद रिजल्ट मिलता है। मैं सही बोल रहा हूँ? कम से कम 5-6 साल तो लगते ही लगते हैं, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, अभी पता है, बट खुद को कुछ ना कुछ गिफ्ट दो, पार्टी करो, इन्जॉय करो, ठीक है, ताकि इंस्टेंट तुम्हें कुछ चीज़ मिल सके, इंस्टेंट रिजल्ट मिल सके, जिससे तुम्हें अच्छा लगे, जिससे फिर तुम वो चीज़ स्टार्ट करो, फिर से पढ़ाई करो और ज़्यादा, और रिजल्ट मिले तुम्हें, मतलब और इन्जॉय करने को। क्या बोल रहा हूँ, कहने का पॉइंट ये है मेरा, इन रियलिटी रिजल्ट बहुत टाइम बाद मिलता है। आप BMW कार में घूमोगे, बहुत टाइम लगेगा उसमें, है ना। अभी जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो जैसे ही थोड़ी बहुत पढ़ाई कंप्लीट करते हो, अपने आप को कुछ इनाम दो, थोड़ा सा एंजॉय करो, जैसे कि तुम्हें मन करे आगे और वो काम करने का, और पढ़ाई करने का मन करे, ताकि एंजॉय करने का मौका मिले, राइट। और इजी, ठीक है, कॉम्पिटेटिव, हाँ कॉम्पिटेटिव ये वर्ड जो लिखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी अपने दोस्तों के साथ कर लो थोड़ा बहुत, इफ पॉसिबल, दोस्तों को बताना जरूर कि मैंने 200 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तुम कहोगे यार मैं तो दोस्तों से बहुत आगे निकल गया, ये तो सारे ऐसे घूम रहे हैं, मैंने तो बहुत कुछ उखाड़ लिया, राइट। तो वो चीज़ भी सही है यार, कंपटीशन करो दोस्तों के साथ, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, पूरा फायदा उठाओ दोस्ती का। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तुम्हारे पास केवल 3 महीने हैं। कितने? 3 महीने, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। फरवरी में आपके एग्जाम है, लेकिन पॉइंट ये है कि आपके पास 3 महीने है नहीं, एक्चुअल में 2 महीने ही है। क्यों? क्योंकि बीच में प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तुम्हारे प्रैक्टिकल होने वाले हैं, राइट। सो समय कम है मेरे भाई, ठीक है, लेकिन इन 3 महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर अपने आप को चेंज करके रख दो। अभी तक तुमने क्या किया फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा मोटिवेशनल होने वाला है, अभी तक तुमने क्या किया फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, कौन तुम्हारे बारे में क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 3 महीने के अंदर अंदर अपने आप को इतना बदल लो, इतना बदल लो, इतना बदल लो, ये दुनिया वाले हर एक इंसान जो आपको जानता है उसको विश्वास ना हो कि ये तुम हो। चेंज कर लो अपने आप को 3 महीने के अंदर इतना, ठीक है। और कोई कहीं नहीं भागा जा रहा, कोई कहीं नहीं भागा जा रहा मेरे भाई, लड़कियों के पीछे तुम पड़े हो ना, कहीं लड़की नहीं भागे जा रही, इंस्टाग्राम चलाने में लगे हो, कहीं इंस्टाग्राम भागा नहीं जा रहा। मैं भी यही हूँ, इंस्टाग्राम भी यही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यही है, दोस्त भी यही, कहीं कोई नहीं भागा जा रहा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है इन्जॉय करने के लिए। इन 3 महीनों के लिए खुद को भैया गायब कर लो इन सब चीज़ से, और सिर्फ पढ़ाई करो दबा के, चेंज कर लो अपने आप को। चेंज क्या करना है यार, इंसान थे अभी भी इंसान है, चेंज क्या करना? पहला चीज़ फोकस्ड, फोकस्ड हो जाओ यार, फोकस्ड। अभी तक क्या है, कभी तुम लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, कभी तुम स्कूल जा रहे हो, कभी तुम कुछ और कर रहे हो, कहीं तुम रील्स देख रहे हो, कभी तुम यूट्यूब में लगे पड़े हो, कहीं कुछ करो, फोकस्ड नहीं हो, लाइफ बिखरी पड़ी है थोड़ी इधर इधर इधर। अब फोकस्ड हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है जी, पढ़ाई करना है, फुल्ली फोकस्ड हो जाओ 3 महीने तक, खुद को बदल लो, फर्स्ट स्टेप। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंट हो जाओ। अभी तक तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर पढ़ाई करी भी होगी तुमने बीच में, एक दिन कर ली, दो दिन कर ली, फिर 4 दिन गायब हो गए, कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, डेली पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन अब मेरे भाई फोकस्ड रहो पढ़ाई पे और डेली करो कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। अगर इसको आपने कंसिस्टेंटली फोकस्ड होके, हाँ फिर से बोल रहा हूँ, फोकस्ड होके कंसिस्टेंटली अगर आपने 1 सप्ताह तक भी पढ़ाई कर ली ना मेरे भाई, रिजल्ट तुम अपनी आंखों के सामने देख लेना, तुम भैया बहुत आगे निकल जाओगे अपने दोस्तों से। सिलेबस तो यूँ छुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा, तुम फोकस्ड तो रहो, कंसिस्टेंट तो रहो, मैं गारंटीज कह रहा हूँ। ना हो तो भाई साहब बताना आप मेरे को कमेंट में, गारंटीज कह रहा हूँ जरूर होगा। चेंज योरसेल्फ, करो 3 महीने है, चेंज खुद को, ठीक है। और अपना वर्जन 2.2 निकालो, जैसे निकलते हैं ना लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं नया, जैसे हर्षित की पढ़ाई है तो HKP है अभी, फिर मैं वर्जन 2.0 लॉन्च कर दी, जो कि बिल्कुल अलग होगा। चेंज योर पर्सनैलिटी यार, चेंज करो अपने आप को, दुनिया भी देखती रह जाए, कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं देती अगर, तो खुद को इतना बदल लो, इतना बदल लो, इतना बदल लो यार इन 3 महीनों के अंदर, कि वो लड़की भी देखे यार ये वही इंसान जिसको मैंने रिजेक्ट किया था, जिस
जिसको मैं भाव नहीं दे रही थी. सो चेंज योर सेल्फ, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टेंशन नहीं लेनी है यार, क्योंकि हम तो मैं देख रहा हूँ बच्चों को टेंशन बहुत है यार, पढ़ाई नहीं कर रहे, टेंशन है भाई, ये पढ़ाई नहीं कर रहे इसी बात की टेंशन, और कर क्यों नहीं रहे पढ़ाई, करो ना पढ़ाई, मन ही नहीं लग रहा है. टेंशन तो छोड़ दो मेरे भाई, टेंशन से कुछ ना होने वाला, टेंशन से अगर कुछ होता तो दुनिया में हर एक इंसान करोड़पति होता. हर किसी को टेंशन है कि उसके पास पैसे बहुत कम है. टेंशन नहीं लेनी है, स्माइल करो यार, हंसो यार, पढ़ाई कर रहे हो यार. देखो पढ़ते समय ना रोना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो ज़्यादा, पढ़ाई कर रहे हो आराम सस्ते हो यार, है पढ़ रहा हूँ यार, जैसा भी है बढ़िया है, करना पड़ेगा. तो स्माइल करते हुए पढ़ो पहली चीज़, रोते हुए मत पढ़ो. जब कोई मूवी देखते हो रोते हो हंसते हो, हंसते हो गर्लफ्रेंड से मिलते हो रोते हो हंसते हो, हंसते हो हंस के पढ़ाई करो, मज़ा तभी आएगा मेरे भाई. नेक्स्ट चीज़ अपॉर्चुनिटी. हम लोग ना पढ़ाई को ऐसा सर दर्द लेते हैं कि ये पढ़ाई करना एक सर दर्द है, हमारे सर पे एक सौ अंकों का बोझ है. लेकिन यही तो गलत तरीका है देखने का, तभी तो पढ़ने में मन नहीं लगता. पढ़ाई को देखो ऐसा अपॉर्चुनिटी, तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है पढ़ाई करने की. दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं इतने उनके पास, बहुत सारे रीजन से नहीं पढ़ पा रहे हैं. तो मैं एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है पढ़ाई करने की मेरे भाई, तुम दबा के पढ़ाई करो ना. सर दर्द क्यों उसको देख रहे हो ऐसा सर दर्द है? तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ये तुम वीडियो देख रहे हो भाई, तो खुद को तो धन्यवाद दो, ए ऊपर वाले आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया. अब तो मेरे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स है जो वन शॉट में एक घंटे में दो घंटे में एक पूरा चैप्टर कवर करा देते हैं. लेकिन तब भी अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो मेरे भाई, चुल्लू भर पानी में डूब मरो. एक अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे भाई, थैंकफुल रहो, बहुत लक्की हो आप लोग यार, पढ़ाई करो. नो ओवर थिंकिंग, ये बड़ी दिक्कत है ओवर थिंकिंग. केमिस्ट्री पढ़ने बैठे फिजिक्स की टेंशन हो जाती, फिजिक्स नहीं पढ़ी. मैथ पढ़ने को बैठ रहे गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, या फिर डिमोटिवेट हो रहे हैं, भैया हमने तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा. जब भी पढ़ रहे हो थिंकिंग को मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, कुछ मत सोचो, पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस. मैंने बोला था दो चीज़, फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है. फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, एक चीज़ पे कंटिन्यूसली फोकस करके रखना है, पढ़ाई पे डेली करना है, डेली करना है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है. तो जब वो चीज़ करो तो बीच में ओवर थिंकिंग नहीं आनी चाहिए. सोचना नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका काम है, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है पढ़ाई करना. तो सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा. अगेन कोई कहीं नहीं भगा जा रहा है, जस्ट फोकस ऑन स्टडी. तीन महीने तक फोकस कर लो मेरे भाई, हिला के रख दोगे दुनिया को तुम, ठीक है. तुम्हारे पड़ोसी को विश्वास नहीं होना चाहिए कि यार ये वही बंदा है. चेंज योर सेल्फ, शांत रहो तीन महीने तक, अलग कर लो लोगों से, सिर्फ पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो, दबा के पढ़ाई करो. तीन महीने के बाद घर से बाहर निकलो, देखो कैसे दुनिया वाले तुम्हें देख के पागल होते हैं, ठीक है. और भी कुछ डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको पढ़ाई करने में, आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा. एंड इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस. मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.